जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के नेतृत्व में गोरखनाथ स्थित बाल संरक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि बाल संरक्षक गृह में विभिन्न प्रकार के अपराधों में जो बच्चे निरुद्ध हैं, उन सभी बच्चों से हालचाल लिया गया। उन्होंने बताया कि बाल संरक्षण गृह में 180 बच्चे निरुद्ध हैं तथा उनके खाने पीने तथा रहने से लेकर विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। किसी प्रकार की कहीं गलतियां नहीं पाई गई तथा वहां के प्रभारी को आगे के लिए निर्देशित भी किया गया। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जिला जनपद न्यायाधीश एडीएम सिटी एवं मेरे द्वारा आज बाल संरक्षण गृह गोरखनाथ गोरखपुर का मुआयना किया गया। मुआयने के दौरान जितने भी जो संरक्षण गृह में बच्चे निरुद्ध हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के अपराधों में, उन सबसे उनकी कुशलक्षेम पूछी गई एवं अभी वर्तमान में 50 से या 60 के आसपास की कैपेसिटी की संख्या पे 180 बच्चे उसमें निरुद्ध हैं एवं उसके अलावा वहाँ पे उनके खाना पीना एवं उनसे मिलाने के लिए और विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएँ हैं उन सबका इंस्पेक्शन किया गया। किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई। छोटे मोटे निर्देश वहाँ के जो प्रभारी हैं उनको दिए गए हैं। थैंक यू।